ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ तक हो गया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग कर रहे थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था इसको ज़रा सा समझिएगा। तो ओपन कर दो उसको भी, हवा आ रहा है। अच्छा, इसको पंखा पर्दा इधर कर दो। ठीक है, उसको भी ये कर दो, खोल पर्दा इधर कर दो। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे। होता यह है कि इस तरीके का एक ट्यूब होता है जिसको हम लोग थोड़ा सा वैक्यूम कर देते हैं, और इस तरफ हम लोग मेटल प्लेट लगा लेते हैं। ये आपका क्या होता है, मेटल प्लेट्स होता है, मेटल प्लेट। ठीक है, इस तरफ हम लोग क्या लगाए थे बोलो, एक एमीटर के साथ हम लोग क्या कनेक्ट कर दिए थे बोलो। एमीटर करंट मेजर करता है, करंट डिटेक्ट करेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेक्टर बोलते थे। कोई दिक्कत? और इस तरीके को, इसको हम लोग ऐसे बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर देते थे। ये वाला को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे, इसको किससे कनेक्ट करते थे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे। होता यह था कि इस सेटअप को जब हम लोग रूम में रखते थे, डार्क अंधेरे कमरे में रखते थे, तो इसका कोई फायदा होता नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको धूप में लेकर के आते थे, सनलाइट के अंदर में, तो सूरज की रोशनी में क्या होता था कि जैसे इसको सूरज का रोशनी इसके ऊपर पड़ा, क्या होता था बोलो, इसके अंदर में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता था। किसका फ्लो होता था, करंट का फ्लो। और करंट कैसे पता चलता था कि करंट का फ्लो हो रहा है, वो इस एमीटर के वजह से पता चलता था। किसके वजह से, इस एमीटर के वजह से। ये आपका क्या है, ये आपका एमीटर है, तो एमीटर से पता चल जाता था कि आपका करंट क्या हो रहा है बोलो, करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत? तो सनलाइट के वजह से, जब मेटल के वजह सनलाइट का सनलाइट जब मेटल के ऊपर पड़ रहा है और करंट जब फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस पूरे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन सनलाइट एक्सपोज टू मेटल सरफेस देन करंट फ्लो इन सर्किट दिस इफेक्ट ऑफ करेंट फ्लो ड्यू टू लाइट कॉल्ड, क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द करेंट इन फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट. कोई दिक्कत? पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? बोलो. ये फोटो का मतलब होता है लाइट, और इस लाइट के वजह से, सनलाइट के वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक. ठीक है ना, इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कोई प्रॉब्लम? बोलो. क्योंकि सनलाइट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? बोलो, सनलाइट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? फंडामेंटल, बोलो, पार्टिकल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल को बोलो फोटोन बोलते हैं. क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे. वालेकुम सलाम. कोई दिक्कत? अब यहां पे हम लोग कुछ इसके बारे में और जानकारी हम लोग लेंगे कि आखिर ये कैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. तो देखो, आप इस मेटल प्लेट को जरा सा देखो. ये मेटल प्लेट था. क्या था? मेटल प्लेट. मेटल प्लेट किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है. और इसके अंदर में क्या मौजूद रहेगा आपका? बोलो, क्या रहता है इसके अंदर में? एटम्स रहता है. एटम्स होगा, मेटल का एटम्स होगा. ठीक है, तो इसके अंदर में होता है मेटल का एटम्स. क्या होता है इसके अंदर में? बोलो, मेटल के एटम्स मिलेंगे. क्या मिल जाएंगे आपको? मेटल के एटम्स. वालेकुम सलाम. ये मेटल का एटम्स आपको मिलेगा इसके अंदर में. कोई दिक्कत? तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वालेकुम सलाम. आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, कि जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ा, या इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है. क्या बीच में क्या रहता है? बोलो, न्यूक्लियस रहता है. और अंदर में क्या घूमता रहता है? बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन घूमता है? क्या इसके चारों तरफ क्या घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है. समझ पा रहे हो? जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ा, सनलाइट, सनलाइट जैसे ही उसके ऊपर पड़ेगा, ये सन है, सनलाइट जैसे उसके ऊपर पड़ा, क्या होगा? सनलाइट पड़ते ही कौन बाहर आ जाएगा? बोलो, ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप मार के क्या हो जाएगा? जंप मार के बाहर आ जाएगा. लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जंप मार के बाहर आएगा. जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ये वाला पोर्शन कौन सा चार्ज का है बताओगे? ये वाला जो पोर्शन है वो कौन से चार्ज का है? इधर में प्लस है क्या? प्लस टर्मिनल. और ये वाला माइनस. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्या होगा? प्लस वाला उसको क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा. खींचने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और किससे जाके टकराएगा? डिटेक्टर से. और डिटेक्टर के वजह से, डिटेक्टर से क्या कनेक्ट है? एमिटर. और इस तरीके से आपका करंट का जो है डिफ्लेक्शन दिखाई देगा लाइट के वजह से. कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये इसके बीच अंदर का साइंस है कि लाइट पड़ते ही क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हो जा रहा है. लाइट पड़ते क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहा है. कोई दिक्कत? अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ध्यान दीजिएगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जैसे ही लाइट स्ट्राइक होता है मेटल सरफेस पे, क्या स्ट्राइक हो रहा है? जैसे लाइट स्ट्राइक होगा मेटल सरफेस पे, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही इलेक्ट्रॉन ठक से बाहर निकलेगा. यानी ऐसा नहीं होगा कि लाइट स्ट्राइक हुआ मेटल सरफेस पे और 5 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या 2 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा नहीं. लाइट पड़ते क्या निकलेगा?
इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी इसमें टाइम लैग नहीं होगा, टाइम लैग नहीं लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस एज लाइट स्ट्राइक, दैट इज नो टाइम लैग। किसी तरीके का कोई टाइम लैग यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे लाइट टकराया तैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठक से बाहर निकलेगा, कोई दिक्कत। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्या है, दूसरा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है बोलो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको जरा सा समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको समझना, ध्यान देना। देखो सबका सहन शक्ति करने का जो मादा है सबका अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पे आप कोई क्राइम किए हैं, ठीक है, तो क्राइम किए हैं तो मान लीजिए तीन चार आदमी एक ही तरीके का क्राइम किया है। ये मिस्टर ए हैं, ये भाई साहब, मिस्टर बी, ये भाई साहब, मिस्टर सी, ए बी सी, तीनों आदमी जो है एक क्राइम कर लिए, ठीक है, मान लो चोरी किया है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि सबका थ्रेशोल्ड अलग अलग है, ठीक है। मिस्टर ए के पास गया, जा करके बोला कि भाई चुपचाप से जो चोरी किए हो सामान दे दो, बात मेरे तुम्हारे तक रहेगा, बात आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सोचेगा कि हाँ भाई बात आगे बढ़ाने से कोई ये नहीं, तो बात ही से क्या होगा, बात ही से मान जाएगा, तो आपका सामान क्या कर देगा, आपका सामान दे देगा। इसका मतलब इसका जो थ्रेशोल्ड था वो क्या था, बात ही पे क्या कर लिया, आप इसको मनवा लिए। सेकेंड पर्सन के पास गए, सेकेंड पर्सन आपका सामान चुराया हुआ है, बात से समझा रहे हैं कि भाई दे दो तुम्हारे मेरे तक रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। एक आगे हम कहाँ लिए, हम कुछ लिए नहीं है, लेंगे तब ना तुमको देंगे, ठीक है ना। तो तीन चार पुलिस वुलिस को बुला लिए, पुलिस वा पकड़ के जो है दो चाटा मारा, तैसे क्या हो गया, बोलो टक से सामान निकल गया। इसका मतलब कि इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था, थ्रेशोल्ड क्या था, बोलो चाटा था, बात से समझ में नहीं आ रहा था, मारना पड़ा। अब ये भाई साहब है, सामान चोरी किए हैं, समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, पुलिस एक दो झापड़ मारा फिर भी जो है नहीं समझ में आ रहा, तो इनका थ्रेशोल्ड क्या है, इनको ले जा करके बर्फ पे लेटा करके, ठीक है ना, जब धामाधम जब धुलाई हुआ है तब क्या क्या हुआ है, तब ये सामान निकला, यानी इनका थ्रेशोल्ड क्या है, बोलो पिटाई है कि नहीं, बर्फ पे लेटा करके। तो अलग अलग लोगों का थ्रेशोल्ड क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग आदमी का थ्रेशोल्ड क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक उसी तरीके से हर मेटल का थ्रेशोल्ड अलग होता है, समझ पा रहे हो, यानी ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर का लाइट डाले तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक खास फ्रीक्वेंसी लाइट का जिसके पड़ते ही इलेक्ट्रॉन ठक से बाहर आ जाए, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और हर मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे यहां पे देख रहे हो सबका कुटाने का टेंडेंसी अलग अलग है, वैसे मेटल का भी टेंडेंसी क्या है, अलग अलग है। यानी आपके पास कोई मेटल है और मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, म्यू नॉट है, क्या है, म्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, ऑफ मेटल, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई लाइट आप बरसा रहे हो, क्या बरसा रहे हो, लाइट, और इस लाइट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लो म्यू है, कोई दिक्कत। और ये म्यू नॉट जो है वो बड़ा है किससे, म्यू से, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा है,
और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम है। मिसाल के तौर पे ये थ्रेशोल्ड का फ्रीक्वेंसी 10 का पावर 11 हर्ज है और इसका लाइट जो आ रहा है वो 10 का पावर 10 हर्ज है, यानी ये लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से इजेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर का फ्रीक्वेंसी का लाइट नहीं डालोगे या उसके बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा, तब तक जो है इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट नहीं होगा। समझ पा रहे हो, यानी अगर अब आपके लाइट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है बोलो, सपोज आपके लाइट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 का पावर 11 हर्ज है, तो क्या होगा, जैसे पड़ा लाइट तैसे क्या होगा, तैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ठक से बाहर आ जाएगा। समझ पा रहे हो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे अगर आप इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी डालोगे तो मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलो बाहर नहीं हो पाएगा, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आपको क्या देना होगा बोलो, लाइट का फ्रीक्वेंसी डालना पड़ेगा, तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व कॉल्ड, क्या कहेंगे बोलो, थ्रेशोल्ड बोलो फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे उसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, कोई दिक्कत, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर को आपको क्या देना होगा, लाइट का फ्रीक्वेंसी भेजना होगा, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर के, तो तीसरा पॉइंट समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आपका ये है समझना के इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी को बोलते हैं चमक, लाइट के चमक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो जितना चमकीला लाइट होगा उतना ही क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, चमकीला लाइट होना चाहिए उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन चमकीला लाइट होना चाहिए उस, लेकिन उस लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए। समझ पा रहे हो, यानी लाइट का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा, यानी लाइट जितना ज्यादा चमकीला होगा उतना ही क्या आपको मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। यानी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के क्या है, प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहां पे, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ केसेस के ऊपर, ठीक है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम तीन केस यहां पे आपको समझाएंगे, तीन केस आपको समझाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ध्यान दीजिएगा। केस नंबर वन, केस नंबर टू और केस नंबर थ्री, तीन केस है, तीन केस समझना है। सबसे पहले ये आपका मेटल है, कोई दिक्कत, और इस मेटल का कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी कितना, म्यू नॉट है, क्या है, म्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्या है ये बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
थ्रेशहोल्ड पिटाई पता है, इतना मारा कि मरने मरने हो गया था, उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशहोल्ड पिटाई। वो इन्फॉर्मर कोई धराता है सब ना, पाकिस्तानी इन्फॉर्मर या कोनो, तो उस सबका जो है वो एजेंसी वाला लेकर के बड़ खूब पिटाई करता है सब, ठीक है ना। तो बोलता है सब कि सर हमने उसको थ्रेशहोल्ड तक पहुंचा दिया है, यानी दो डंडा और दे दोगे थ्रेशहोल्ड के ऊपर तो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? ध्यान दोगे तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और आप लाइट गिरा रहे हो इसके ऊपर, क्या गिरा रहे हो? लाइट गिरा रहे हो। लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यू है, लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है? म्यू है। ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। लेकिन केस वन में ये है कि आपका जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है किससे? लाइट के फ्रीक्वेंसी से। ये जिसके तरफ दोनों दांतवा होगा वो बड़ा होता है, और जिसके तरफ कोहिनी होता है वो क्या होता है? कोहिनी जिसके तरफ होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, ये स्मॉल होता है। बड़ा होगा ये वाला, स्मॉल होगा। तो भाई थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लाइट का फ्रीक्वेंसी कम है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो क्या लिखोगे? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ऐसा सिचुएशन मान लो कि भाई कोई आदमी है, ठीक है, आपका कर्जा लिया हुआ है, आराम से अपने घर में सोफा पे टीवी वीवी देख रहा है मस्ती में, ठीक है, टीवी वीवी लगा हुआ है, आप उसके घर पे गए हो कि भाई हमारा कर्जा इतना दिन पहले लिए थे तो मेरा कर्जा, आप जनाब, जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जनाब से गुजारिश है कि मेरा 2000 रुपया जो कर्जा आप लिए थे 2 साल पहले, उसको देने का क्या बोलते हैं, तकल्लुफ उठाइए थोड़ा सा, है कि नहीं? तो ये अंदर है, जाओ कल आना, ठीक है ना, अभी मेरे पास नहीं है, तो पैसा नहीं निकलवा पाइएगा, क्योंकि आपका उसका थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके मांगने के फ्रीक्वेंसी से क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। सेकेंड केस जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये कि आपका सेकेंड केस है यहाँ पे, ठीक है, केस नंबर 3। केस 3 इधर लिख देते हैं, ये सेकेंड केस है, जरा सा सेकेंड केस समझोगे। सेकेंड केस ऐसा है कि ये आपका थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है और इसके ऊपर लाइट डाल रहे हो फ्रीक्वेंसी का। इस बार क्या है कि बराबर का है, क्या है? बराबर, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल, कोई दिक्कत? यानी पॉसिबल होगा, यानी क्या होगा? जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा? जस्ट खट से निकला है, जस्ट निकला है। मतलब ये केस ऐसा है कि ये अंदर में है, पहला केस तो बाहर नहीं निकला, बाहर से कि टरका दिया है कि नहीं? पापा घर पे नहीं है, बेटवा आकर के पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है, है कि नहीं? हाँ, इस केस में तो बाहर नहीं निकले, इस केस में तुम गए और थोड़ा सा तहजीब को रखे साइड में, ठीक है ना, है कि नहीं? जाके क्याली गरिया रहे हो, अरे फलनवा वाला बाहर निकल, है कि नहीं? खूब गाली वाली बके, है कि नहीं? गाली बकते ही इसको लगा कि भाई मोहल्ला में मेरा क्या होगा, हाँ, इज्जत खराब होगा। हम तो मोहल्ला में रहे हुए, कागी मोहल्ला में मेरा पैदाइश है, 10 साल के थे तो यहाँ आ गए इस जगह पे। मोहल्ला हम देखे, बड़ी खतरनाक जगह होता है, पॉलिटिक्स खूब होता है, बात समझे? मतलब एक ठो पोल भी अगर लगाना है ना तो दोनों तरफ का लोग आमने सामने हो जाएगा कि ना हमरा द्वारा पे ना लगी, इसको कहाँ लगाओ? उस पट्टी लगाओ, इस पट्टी नहीं लगेगा, बात समझे? नाली बनेगा तो कहाँ नाली बनेगा? उनके साइड में बनेगा, मेरे साइड नहीं बनेगा। छोटा छोटा बात के लिए क्या होता है? झगड़ा होगा। मतलब आदमी हम देखते हैं ना मोहल्ला वाला में या गाँव में, आदमी क्या करता है ना, आदमी अपना बेहतरी छोड़ देता है,
और दिन भर साजिश करता है बैठ करके घर के अंदर में कि सामने वाले को किस तरीके से कोई अगर प्रॉब्लम आएगा तो सामने वाले को कैसे टैकल करेंगे। तो हम देखें ना जितना मोहल्ला में जो भी भाई बंधु रहता है या स्टूडेंट जो मोहल्ला वल्ला का रहता है उसको हम देखते हैं कि वो उसका जो एक बौद्धिक विकास है वो छूट जाता है। कैसे सामने वाले को जवाब देना है, कैसे धराशाई कर देना है, कैसे जो है 3-5 बतियाना है, ये सब क्या हो जाता है, ये सब इंसान सीखता है। वो मेरे दादा का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि मेरे दादा जो है वो क्लास 10 साल के थे तो सबका क्या कर दिए, सबका घर अलग अलग। अब ये घर जो बना था ना बगल में देख लो, ना पड़ोसी का जात, बगल में जो है चाचाई हैं, ठीक है ना, वो अपना मस्त रहते हैं, हम लोग हैं तो कोई इंट्रैक्शन हम लोग का हुआ ही नहीं, बात समझे। तो इंट्रैक्शन हुआ नहीं तो भाई किसी से कोई लेना देना उतना नहीं रहा नहीं, तो हम लोग क्या किए अपना पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिखाई करके आदमी ये किए। वहाँ पे है कि भाई आपसे इंट्रैक्शन हो रहा है, कोई ऊंचा आवाज़ में बतिया लिया, फादर से आपके कोई ऊंचा आवाज़ में बतिया लिया, अब आपके दिमाग पे चढ़ गया, अब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है कि नहीं। अब आप सोच रहे हो कि भाई पूरा दुनिया ऐसे ही है और हमको भी क्या करना है, हमको भी जो है इसी तरीके का कुछ बनना है कि इन सबों को क्या करे, छाती पे चढ़ के जो है जवाब दे, है कि नहीं। एक मेंटलिटी हो जाता है, बात समझे। अच्छा हुआ मैं दादा ये काम बहुत बढ़िया कर लिए कि हम लोग वहाँ से क्या हो गए। सबसे तो मज़ा आता था रात में दारू पी करके आता था एक ठो, और खूब गाली दे पूरा मोहल्ला वासी को, ना ही वो दारू पीता था ना तो फिर भी गाली देता था सबको। अब मोहल्ला में जिसके पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आ गया भाई उस सबके रडार पे चढ़ जाता है कि नहीं, तब उसको जो है गरियाएगा एकदम, जलन का जो भावना होता है एकदम चरम पे, एकदम उफान मारता है एकदम, इसके पास सामने अगर गाड़ी तुम्हारे दरवाजा पे आ गया बस तो सब लोग का जो है एकदम स्नेक लगता है कलेजा के ऊपर लूटने से, है कि नहीं। और सबसे मजा आता है वो क्या बोलते हैं आपका, खैर छोड़ो, दिन ब दिन रोहित शर्मा होते चले जा रहे हैं हम, चलो कोई दिक्कत बोलो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे इनको गरियाओगे तो इनको लगेगा भाई मोहल्ला के बीच में रहे, इमेज क्या होगा, खराब होगा, तो चुप कराने आएगा, लो अपन पैसा, आके क्या करेगा, हाँ अपना पैसा लो भागो यहाँ से, हटा उठा देगा। यानी क्या हो गया कि एक लिमिट के बाद से क्या होगा कि इनको बाहर निकलना पड़ा, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक क्या किया इनको, क्या क्या दे दिए, डोज दे दिए। अब तीसरा केस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा केस है, दूसरा केस के अंदर में एक और चीज समझिए, ध्यान दोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर का एनर्जी होगा क्या भाई, आपको अगर फ्रीक्वेंसी दे दिए तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, H इंटू म्यू नॉट होता है, बोलो H इंटू म्यू नॉट होता है। तो इस एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इस एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, यानी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के कंपेयर का जो एनर्जी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। यानी ये वो एनर्जी है जिसके पढ़ने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, जस्ट क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। यानी कोई पूछेगा व्हाट इज वर्क फंक्शन तो आप क्या बोलोगे, द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, समझ पा रहे हो। यानी ये वही एनर्जी है जिससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आया है, कोई दिक्कत यहां पे, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, ई से नहीं करते, किसे करते हैं, फाई से करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब तीसरा केस समझिएगा, कौन सा केस है, तीसरा केस है, ध्यान दोगे तो तीसरा ये केस है, इसका थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू और ये लाइट पड़ा, क्या पड़ गया, लाइट पड़ा, लेकिन अब क्या है कि ये जो लाइट पड़ा है उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है,
ज्यादा है, मतलब ये कि भाई थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड तो जितना था कि भाई उतना तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा आप क्या किए, बल का इस्तेमाल किए। मतलब ये आदमी बेचारा क्या था, बोलो, आराम से टीवी बैठ देख रहा था, और तुम क्या किए, ठीक है ना, तुम सोचे कि भाई गाली गलौज से काम नहीं चलेगा, निकाले कट्टा, है कि नहीं। हाँ, निकाले कट्टा, मारे ठाए ठाए एकदम, पूरा दरवाजा पे मारे एकदम तड़ातड़ एकदम, उसके बाद से डरे क्या होंगे, ठीक है ना, डरे तेजी के साथ निकलेंगे और सीधे क्या पकड़ लेंगे, सीधे जो है आपका पैर पकड़ लेंगे, लीजिए प्रभु, अब पैसा ले लीजिए, आई जो भी इंटरेस्ट है वो भी ले लीजिए। यानी इसका मतलब कि इतना तगड़ा एनर्जी दे दिए, है कि नहीं, कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो बाहर निकले, लेकिन कैसे बाहर निकले, पूरे एनर्जी के साथ डरे बाहर निकले। यानी इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा, ठीक है, लेकिन कैसे बाहर निकलेगा, पूरा तेजी में बाहर निकलेगा, एकदम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, समझ पा रहे हो। एक है कि भाई आम पका हुआ है, लटका है, और आप धीरे से निशाना मारे, ठक से बस निकला, और एक है कि पूरा तान के क्या किए, मारे, पता चला आम भी क्या हो गया, आम भी जो है छिटक गया, इतना तेजी मारे। तो तीसरा कंडीशन क्या है, बोलो, तीसरा कंडीशन है कि आपने क्या किया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का एनर्जी दिया। इसका मतलब क्या है कि भैया होगा यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल, पॉसिबल तो है, और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट विथ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पे इजेक्ट हो रहा है। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो, कोई प्रॉब्लम, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम। यानी यहां पे जो लाइट आपने दिया है, कौन सा, ये जो आपने फ्रीक्वेंसी दिया है, ये एनर्जी ऑफ लाइट है, क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट, ई क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट, और एनर्जी ऑफ लाइट का दो हिस्सा है, दो हिस्सा है, पहला हिस्सा क्या है, पहला हिस्सा है इनको बाहर डरवा के बाहर निकलवाना, और दूसरा में ये कैसे निकल रहे हैं, तेजी के साथ निकल रहे हैं। यानी पहला, ये एनर्जी का दो हिस्सा है, पहला फाई जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जस्ट बाहर निकल रहा है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है, पूरा काइनेटिक एनर्जी के साथ। यानी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट गिराते हो तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और आपको पता है ई क्या होता है, एच इंटू म्यू, यानी एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फाई क्या होता है, एच इंटू म्यू नॉट, यानी एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस क्या होगा, प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी, जो किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे, तो एक काम करो, पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका फेवरेट वर्क करना है, ठीक है, छपंता करना है,